हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्साइटमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, जैसा मैं हर लेक्चर में करता हूँ, कि आज का ज्ञान मैं आपको दूंगा। आज का ज्ञान ये है कि अपने माँ बाप को हमेशा प्यार और इज्जत करें, ठीक है। उनका जैसा भी नेचर हो, वो आपके लिए हमेशा भला ही सोचते हैं, तो उनको कभी भी तकलीफ़ ना दें, उनको बारे में हमेशा अच्छा सोचें, उनका हमेशा केयर करें और हो सके तो जितना ज़्यादा समय हो सके उनके साथ गुजारें। अगर आप नहीं गुजार सकते हो, ठीक है, तो उनके लिए समय निकालें, क्योंकि ये एक ऐसा मोमेंट है ना कि वो जब चले जाएंगे इस दुनिया से, लाइफ से, तो आपको सिर्फ रिग्रेट के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा लाइफ में। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने माँ बाप को हमेशा इज्जत करें और उनके साथ हमेशा टाइम स्पेंड करें, ठीक है। तो ये रहा आज का ज्ञान, अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग कुछ स्पेशल मैट्रिक्स सीखेंगे। क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब, देखो यहाँ पे क्या बोला कि कोई एक मैट्रिक्स ए है, ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक। इसका अगर तुम ट्रांसपोज लेते हो और वो मैट्रिक्स बराबर उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के हो जाता है, तो वैसे मैट्रिक्स को बोलेंगे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने पे ओरिजिनल मैट्रिक्स का निगेटिव आ जाता हो, तो वैसे मैट्रिक्स को बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तीसरा है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जैसे कोई एक मैट्रिक्स लिया, उसका ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। उसका ट्रांसपोज लेने पे अगर मान लो उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकल जाता है हमको, तब उसको हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। या फिर ये वाला रिलेशन पता कर सकते हो, या फिर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए, ठीक। फिर देखो, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स किसको बोला जाएगा? इसका डेफिनेशन हम लिखे हैं यहाँ पे, वेक्टर्स u1 u2 से लेकर के un, किसमें? rn में। तो हम बताए थे जितना एलिमेंट्स रहेगा उतना स्पेस होगा। अगर u1 u2 सिर्फ रहता तो किसमें रहता? r2 में। u1 u2 u3 रहता तो किसमें रहता? r3 में। तो u1 u2 से लेकर के un तक है, तो किसमें चला गया? rn में। आर सेड टू फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स If the vectors are unit vectors, क्या होना चाहिए vectors को? सबसे तो पहले ये सारे vectors को unit vectors होना चाहिए and are orthogonal to each other. पहला दो condition होना चाहिए। पहला क्या? कि unit vectors होने चाहिए ये सारे के सारे vectors, और दूसरा condition क्या satisfy होना चाहिए? कि सारा जो vectors है वो आपस में एक दूसरे से orthogonal होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो condition है हमारा ui.uj = 0 होना चाहिए। कब? जब i और j बराबर नहीं हो, और ui और uj का जो product है ये 1 हो जाना चाहिए। कब? जब आपका i और j बराबर हो, ठीक है। फिर लास्ट है हमारा नॉर्मल मैट्रिसेस। नॉर्मल मैट्रिक्स का मतलब, कोई एक मैट्रिक्स ए है, उसको और उसके ट्रांसपोज के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हो और वो बराबर हो जाता है उसके ट्रांसपोज और उस मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के, ठीक है ना, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पे गौर से, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या था? a into a transpose = a transpose into a, ये बराबर होना चाहिए आइडेंटिटी के। अगर ये दोनों आइडेंटिटी के बराबर हो जाता है तब उसको ऑर्थोगोनल बोलेंगे, ठीक है। और नॉर्मल मैट्रिक्स में सिर्फ ये कंडीशन होना चाहिए, मतलब a into a transpose = a transpose into a, ठीक। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। अगर ये वाला कंडीशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर अगर हो जा रहा है, तब इस नॉर्मल मैट्रिक्स को हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोल देंगे। अगर मान लीजिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है लेकिन फिर भी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तब इसको हम लोग नॉर्मल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये वाला एक मैट्रिक्स है, इसको हम लोग देखते हैं कि ये चेक करते हैं कि ये नॉर्मल मैट्रिक्स है या नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे चेक? इसको निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो बोलो तो बाबू, ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 और -3 इधर आ जाएगा और 3 और 6 इधर आ जाएगा, ठीक है। क्या फाइंड करना है? पहले तो हम LHS फाइंड करेंगे, A into A transpose निकालते हैं। A और A transpose अगर हम लोग निकाले तो सबसे पहले मैट्रिक्स A को लिखना होगा 6 - 3, 3 और 6, ठीक है। और दूसरा क्या है? A transpose बोले तो 6, 3 - 3 और 6। अब इसको क्या होगा, हमको तो पता है ये 2x2 मैट्रिक्स होना चाहिए, 2x2 ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी 2x2, यहाँ भी 2x2, कैसे होता है ये सब सीख चुके हम लोग। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 6×6=36, ठीक है। 6×6=36, दिस इंटू दिस प्लस करना है हमको 3×3=9, तो कितना हो गया? 9×6=15, सो ये कितना हो गया? 45 हो गया, समझ में आई बात। फिर देखो, 6×3=18, ओके, और फिर -18, तो 18 - 18 क्या हो गया? 0 हो गया, ओके। 6×3=18, फिर -18 ये करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और 3×3=9, फिर प्लस 6×6=36, तो कितना हो गया? 45 हो गया। तो देखो यहाँ पे,
निकला, ये निकला ए इंटू ए ट्रांसपोज। अब पलट करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ए ट्रांसपोज इंटू ए निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है हमारा। ए ट्रांसपोज इंटू ए अगर करते हैं तो क्या आता है, देखो ए ट्रांसपोज इंटू ए को करना है तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज किधर गया, ये लिखो 6, 3 माइनस 3 और 6। ए कहाँ है, इधर है, 6 माइनस 3, 3 और 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, देखो 6, 6 जा 36 प्लस 9 कितना 45, फिर 6, 3 जा 18 माइनस 18 प्लस 18 हो गया 0, फिर ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 45। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ से आपको क्या मिला कि a इंटू ए ट्रांसपोज ये बराबर हो जा रहा है a ट्रांसपोज इंटू a के। वेरी गुड, अब ये दोनों बराबर हो चुका है, लेकिन क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है, नहीं आया है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आया तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, नहीं है। तो क्या हम इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, इस वाले ए मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे ऑर्थोगोनल, क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप ये सब समझ में आ गया होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स किसको बोलते हैं और नॉर्मल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। ठीक है, फिर चलो कुछ और आगे अलग टाइप का मैट्रिक्स देखते हैं। देखो अब देख रहे हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का मतलब ये होता है उस मैट्रिक्स में तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। ठीक है, तो उसमें हम एक सिंबल यूज करते हैं ए टू द पावर ऑफ थीटा। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए। क्या बोलेंगे, कोई एक मैट्रिक्स ए है उसका हम लोग क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। इसको कैसे लिखेंगे, पहले मैट्रिक्स लिखा उसके माथे पे कॉन्जुगेट दिया, इसका ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, या फिर उसका पलट करके भी लिख सकते हो, पहले तुम ट्रांसपोज ही ले लो उसके बाद फिर उसका कॉन्जुगेट ले लो। तो चाहे ये लो और चाहे ये लो, इसी दोनों को एक छोटा सा अलग से रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग लिखते हैं ए टू द पावर ऑफ थीटा। समझ में आया, ए टू द पावर ऑफ थीटा। तो ये तरीका है लिखने का, किसका, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए। अब देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ऑर्डर बता सकते हो कितना है, ऑर्डर कितना रोज है, कितना कॉलम्स है, 2 रो है 3 कॉलम है। तो इसमें हम लिखेंगे दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 रो क्रॉस 3 कॉलम, मतलब 2x3 का मैट्रिक्स है। ओके, अब क्या निकालना है हमको, इसका निकालना है हमको ए टू द पावर ऑफ थीटा, मतलब इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालना है। तो निकालते हैं, देखो क्या बोला कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालने के लिए, तो हम तो हमको तो पता है ए टू द पावर ऑफ थीटा क्या होता है, ए का कॉन्जुगेट ले लेंगे और उसके बाद उसका हम फिर ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। तो ए कॉन्जुगेट निकालते हैं, ए कॉन्जुगेट निकालने का मतलब है, कॉन्जुगेट हम सिखाए थे रियल को मत छेड़ो, इमेजिनरी का साइन पलट दो। तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 8i, फिर ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 3i, ये हो जाएगा 4 प्लस 7i। वेरी गुड, इसके बाद 6i है तो -6i हो गया, इसके बाद ये हो जाएगा 1 प्लस 4i, इसके बाद क्या हो जाएगा 3 माइनस 2i। ओके, अब ये जो कॉन्जुगेट निकला है इसका हम लोग को ट्रांसपोज लेना है। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, लिखो यहाँ पे 2 माइनस 8i, फिर 5 प्लस 3i, 4 प्लस 7i। ठीक है, और -6i इधर होगा, 1 प्लस 4i इधर हो जाएगा और 3 माइनस 2i इधर हो जाएगा। समझ में आया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए टू द पावर ऑफ थीटा बोलते हैं, मतलब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए। ओके, अब देखो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, याद करो वो दिन जब हम बताए थे ये कौन सा मैट्रिक्स बताए, सिमेट्रिक बताए थे। सिमेट्रिक में क्या बताए थे कि ए ट्रांसपोज बराबर ए हो जाना चाहिए तो उसको सिमेट्रिक बोलेंगे, और अगर ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए आता है तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। तो ये वाला सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का जो कॉन्सेप्ट था ये रियल मैट्रिक्स के लिए वैलिड था। अब यहाँ पे क्योंकि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सेम एनालॉगस कौन सा मैट्रिक आ जाएगा, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स था उसके एनालॉगस आ जाएगा हर्मिशियन मैट्रिक्स। उसका मतलब क्या है, ए टू द पावर ऑफ थीटा अगर ए के बराबर है तो उसको हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलेंगे, और ए टू द पावर ऑफ थीटा अगर माइनस ए आ जाता है तो उसको स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलेंगे। उसी तरह से एक और मैट्रिक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। इसका कंडीशन क्या होना चाहिए, कोई एक मैट्रिक्स ले लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के साथ में। अगर इस दोनों का प्रोडक्ट आई के बराबर हो जाता है तब उसको हम लोग यूनिटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। और हम
पहले लेक्चर में, मतलब इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हम यूनिट मैट्रिक्स बताए थे, है ना, यूनिट मैट्रिक्स बताए थे, और एक यहाँ पे आ गया है यूनिटरी मैट्रिक्स आ गया है। अब अंतर समझ में आया होगा यूनिट मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स में क्या अंतर है। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ करता था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जहाँ पे सारे डायगनल एलिमेंट्स वन हुआ करते थे, बाकी सारे नॉन जीरो डायगनल एलिमेंट्स जीरो होते थे, मतलब नॉन डायगनल एलिमेंट्स जीरो होते थे। और यूनिटरी का मतलब क्या, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि अगर आप कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालते हो किसी मैट्रिक्स का तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स के बराबर होना चाहिए। तो चाहे ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कराओ या फिर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, और यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। अब चलो देखते हैं हम लोग ब्लॉक मैट्रिक्स। अब देखो ब्लॉक मैट्रिक्स क्या होता है, ब्लॉक मैट्रिक्स को हम लोग और क्या बोलते हैं, सब मैट्रिक्स बोलते हैं, मतलब मैट्रिक्स का पार्ट। सब मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है, उसका अगर हम बेबी ले लेते हैं, मैट्रिक्स का बच्चा, ठीक है, एक बड़ा सा मैट्रिक्स है उसका हम एक छोटा सा टुकड़ा उठा लिए, उस छोटा सा एक पार्ट उठा लिए, तो वैसे वाले मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे सब मैट्रिक्स, मतलब एक मैट्रिक्स बड़े मैट्रिक्स का एक छोटा सा पार्ट, ठीक है, उसी को हम लोग ब्लॉक मैट्रिक्स भी बोलते हैं या फिर सब मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तुमको, इसका ऑर्डर बताओ तो कितना रोज है, कितना कॉलम्स है, 1 2 3 4, चार रो, 1 2 3 4 5, पांच कॉलम, तो चार रो पांच कॉलम, इसको हम क्या लिखेंगे, 4x5 या 4x5 यहाँ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो ये सब हम जो डॉटेड रेड कलर से जो डॉट करके इसके लिखा हुआ है, इस सब को हम क्या कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स को हम ब्लॉक्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। तो तुमको एक ब्लॉक दिखा यहाँ पे, ये वाला एक ब्लॉक दिख रहा है, फिर इधर एक ब्लॉक दिख रहा है, फिर ये वाला ब्लॉक, फिर ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, टोटल कितने ब्लॉक्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ब्लॉक्स हो चुके हैं, ठीक। अब यहाँ पे इस 6 ब्लॉक्स में से कुछ स्पेशल खासियत है, क्या है, इसमें अलग अलग तरह का ब्लॉक मैट्रिक्स बनता है, वो अभी देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी समझ लो कि ब्लॉक मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, ये ब्लॉक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें क्या बोलेंगे, ब्लॉक्स बोलेंगे ये सारे छोटे छोटे चीजों को, टुकड़ों को, या फिर उसको सेल्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आई विल कॉल दिस एज ब्लॉक ऑफ मैट्रिक्स और सेल ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे, अब ये क्या होता है और ये क्या होता है ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, ये सब क्या है, ब्लॉक मैट्रिक्सेस है, मैट्रिक्स लिखने का शॉर्ट तरीका है कि नहीं, सो दे आर ब्लॉक मैट्रिसेस विद सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मान लो कि दो ब्लॉक मैट्रिक्स हम लोग एक मैट्रिक्स से उठा लिए, ठीक है, एक मैट्रिक्स बड़ा सा मैट्रिक्स था, उस मैट्रिक्स से हम लोग दो ब्लॉक मैट्रिक्स उठा लिए हैं जहाँ पे रोज और कॉलम्स दोनों का सेम है। अगर ऐसी बात है तो अगर दोनों का अगर हम लोग एडिशन करेंगे तो क्या करेंगे, सारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा, है कि नहीं, तो A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, इस तरह से कहाँ तक जाएगा, अगर n एलिमेंट्स हैं तो A1n प्लस B1n, ठीक है, उसी तरह से हॉरिजॉन्टली हम लोग n तक गए हैं, वर्टिकली हम लोग m तक आए हैं, ठीक है, तो कोना लास्ट वाला क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा, समझ में आया, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन रहता तो क्या होता, सिर्फ साइन चेंज हो जाता, और सब्ट्रैक्शन को हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव एडिशन होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर किसी ब्लॉक मैट्रिक्स को अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है तो ऑब्वियसली ये जाहिर सी बात है कि उस मैट्रिक्स के साथ जो आप मल्टीप्लाई किए हो हर एलिमेंट के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ में आया, तो ब्लॉक मैट्रिक्स समझ में आएगा कि इसको क्या बोलते हैं, ये ब्लॉक मैट्रिक्स एक बड़ा सा मैट्रिक्स का एक छोटा सा पार्ट होता है, टुकड़ा होता है, उसको हम लोग ब्लॉक बोलते हैं या फिर सेल बोलते हैं, ठीक है। देखो ब्लॉक मैट्रिक्स हम लोग सीख चुके हैं, अब देखते हैं हम लोग स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स, ध्यान देना इधर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, और आगे चल करके बहुत काम लगेगा, ठीक है, यहाँ से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी अब मैट्रिक्स का, तो इसलिए हम पहले वॉन्ट कर दे रहे हैं, अब थोड़ा सा जितना भी सारा अटेंशन है इधर फोकस करो। स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिसेस, नाम से पता चल रहा है कि ब्लॉक मैट्रिक्स है, लेकिन कैसा होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, कैसे, लेट एम बी अ ब्लॉक मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स एम हम कंसिडर कर रहे हैं, कौन सा मैट्रिक्स, ब्लॉक मैट्रिक्स, देन एम इज कॉल्ड अ स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स इफ दिस दिस दिस, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे तब इस ब्लॉक मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। क्या है पहला कंडीशन, M इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो पहला क्या कंडीशन होना चाहिए कि जो ब्लॉक मैट्रिक्स आप चूज कर रहे हो वो स्क्वायर नेचर का होना चाहिए, रेक्टेंगुलर नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो बड़ा सा मैट्रिक्स आप चूज कर रहे हो वो स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, पहला कंडीशन ही है। दूसरा कंडीशन देखो, द ब्लॉक्स फॉर्म अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जो भी छोटे छोटे ब्लॉक्स है ना वो क्या होने चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म करने चाहिए, ओके। और तीसरा कंडीशन क्या है, द डायगनल ब्लॉक्स आर ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स,
मतलब जो आप ब्लॉक बनाओगे वो सब स्क्वायर होने चाहिए और जो डायगोनल ब्लॉक्स हैं वो सब भी स्क्वायर होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन एट अ टाइम सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन एट अ टाइम सेटिस्फाइड नहीं है तो किसी भी हालत में आप ब्लॉक मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हो। मुझे पता है इसे समझ में नहीं आया, एग्जांपल से समझते हैं। देखो सबसे पहले एक ब्लॉक मैट्रिक्स दे दिया आपको, ठीक है। सबसे पहला क्या कंडीशन चेक करना है, पहले ये चेक करना है कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। चेक करते हैं कितने रोज हैं, 1 2 3 4 5 रोज। कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? ओके, तो यहां पे पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड, कुल। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या है, द ब्लॉक्स फॉर्म अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होना चाहिए, जो आप ब्लॉक्स फॉर्म किए हैं ना अंदर में वो स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। तो एक बड़ा सा मैट्रिक्स 5x5 का एक बड़ा सा मैट्रिक्स था, यहाँ से रेड से और ब्लू से हम क्या कर दिए, इस मैट्रिक्स को हम लोग कुछ सेल्स में या ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिए। अब हम तुमसे पूछें बताओ कितने ब्लॉक्स हैं कितने सेल्स हैं, तो तुम क्या बोलोगे, तुम काउंट करोगे और बोलोगे कि सर ये हो गया मेरा पहला ब्लॉक है कि नहीं, दिख रहा है तुमको, फिर ये हो गया दूसरा ब्लॉक, तीसरा, चौथा ब्लॉक, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। कितने ब्लॉक्स हो गए, 9 ब्लॉक्स हो गए। ओके, तो द ब्लॉक्स फॉर्म अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होना चाहिए, जो ब्लॉक्स आपने फाइंड किया है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। क्या ये है, बिल्कुल है। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, नहीं है, ठीक। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, नहीं है। क्या ये है स्क्वायर मैट्रिक्स, नहीं। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ। क्या है, 1x1 है ना, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यस। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यस। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, नहीं। समझ में आया, तो टोटल कितने ब्लॉक्स थे, 9 ब्लॉक्स थे। उसमें से कितने स्क्वायर निकले, 1 2 3 4 5, 5 स्क्वायर निकले और बाकी सारे नॉन स्क्वायर निकले, ठीक है। लेकिन लेकिन दूसरा कंडीशन है हमारा कि जो ब्लॉक है वो स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। अच्छी बात है, किया है, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कार्ड अभी भी नहीं करेंगे जब तक हम तीसरा कंडीशन, ये इसमें क्या बोले, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, कुछ तो है ना स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो ये कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई है कि इसमें से कुछ जो ब्लॉक्स हैं वो हमारे कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। अब देखो तीसरा मेन कंडीशन, जो स्क्वायर मैट्रिक्स का ब्लॉक दिखा तुमको उसके डायगोनल पे भी स्क्वायर होना चाहिए। क्या बोले कि द डायगोनल ब्लॉक्स आर आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे जो तुमको स्क्वायर मैट्रिक्स दिख गया, किसी कोई ब्लॉक अगर स्क्वायर मिला हो तो उसका जो डायगोनल होगा ना, जो डायगोनल ब्लॉक्स होंगे वो सब स्क्वायर होने चाहिए। तो ये तीन कंडीशन हमको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। डायगोनल हमारा बताओ तो डायगोनल ब्लॉक किसको बोलेंगे, ये वाले ब्लॉक को, ये वाले ब्लॉक को, ये वाले ब्लॉक को, मतलब अलोंग द डायगोनल जो आपको ब्लॉक्स मिल रहा है, ये वाला और ये वाला, बाकी को देखना ही नहीं है, बाकी को देखना ही नहीं है। क्या कर दिए हम, इस डायगोनल के अलोंग जितने भी ब्लॉक्स हैं इसको देखो, ये सब तुम्हारे स्क्वायर होने चाहिए, तभी हम इसको स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स बोलेंगे। तो क्या ये डायगोनल के अलोंग, ये डायगोनल ब्लॉक जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये है, लेकिन ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या हम इसको स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे नॉट ए स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स। यहां पे कंफ्यूजन होगा, यहां पे क्या बोले थे, द ब्लॉक्स फॉर्म अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो क्या बोला है, यहां पे जरूरी नहीं कि हर सारा ही ब्लॉक्स फॉर्म कर जाए, देखो यहां पे स्क्वायर ब्लॉक फॉर्म कर जाए, जरूरी नहीं, ये भी तो नॉन स्क्वायर है ना, ये भी तो नॉन स्क्वायर है, ये भी तो नॉन स्क्वायर है, स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना, कुछ कुछ स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन डायगोनल के अलोंग सब स्क्वायर हो जाना चाहिए, ये कंडीशन। अब चेक करते हैं ये वाला हमारा स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स है या नहीं। पहला कंडीशन क्या बोला, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, तो सेमी मैट्रिक्स है, कोई अंतर तो नहीं है, ये भी कितना है, 5x5 का ही मैट्रिक्स है, ओके। तो पहला कंडीशन हो गया हमारा सेटिस्फाइड। दूसरा चेक करते हैं, द ब्लॉक्स फॉर्म अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखते हैं यहाँ पे स्क्वायर क्या क्या है, इसको हम इस तरह से डिवाइड किए कि इसको हम स्क्वायर बना दिए, बताओ ये है क्या, स्क्वायर है ना, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, ओके। ये सब स्क्वायर नहीं है तो उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे हमको स्क्वायर मिल चुका है, तो जैसे ही हमको स्क्वायर मिला है फिर हम यहाँ से जंप करके इस पे आ जाएंगे और चेक करेंगे कि डायगोनल ब्लॉक्स हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। डायगोनल क्या है बताओ तो, ये है हमारा डायगोनल, ओके। क्या डायगोनल ब्लॉक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, यस।
चेक करते हैं हम लोग कि डायगनल हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। तो यहाँ पे तुमको पहला वाला क्या दिख रहा है, तुमको 1 2 1 1, तो मतलब 2x2 का है दो, तो यस ये हमारा डायगनल ब्लॉक एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये वाला डायगनल ब्लॉक भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये वाला डायगनल ब्लॉक भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका है और इसमें भी हमारा कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स है ही और ये तो पूरा ओवरऑल स्क्वायर मैट्रिक्स है ही, क्योंकि ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो चुके हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बी इज अ स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स। अंतर क्या हुआ था, अंतर हुआ था इसको डिवाइड करने में, काटने में। यहाँ पे ब्लू और रेड लाइन जो था तुम्हारा, ये कैसे डिवाइड कर रहा था, इस तरह से कुछ कट कट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ब्लू और रेड लाइन जो है कुछ अलग तरीके से काटा है। तो जिस तरह से आप काटोगे एक ही मैट्रिक्स को, आप अलग अलग तरीके से शो कर सकते हो, तो उस केस में हम उसको स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स बना सकते हैं या नॉन स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स बना सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स। ओके, अब ध्यान दो ब्लॉक डायगनल मैट्रिक्स के ऊपर क्या बोल रहा है, लेट एम इज इक्वल टू ए आई जे बी अ स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स सच दैट द नॉन डायगनल ब्लॉक्स आर ऑल जीरो मैट्रिसेस, दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू जीरो व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, देन एम इज कॉल्ड ए ब्लॉक डायगनल मैट्रिक्स। इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, अगर ब्लॉक डायगनल मैट्रिक्स है तो एम को लिखेंगे डायग A11, A22 एंड सो ऑन। ये सब ध्यान रही, ये सब एलिमेंट्स नहीं है, ये सब क्या है, ये सब छोटे छोटे सब मैट्रिसेस हैं जिसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। या फिर इसको इस तरह से लिखने का भी तरीका है, देखो यहाँ पे पहला तक तरीका है ये डायग लिखो और अंदर में लिखो A11, A22 लेकर के जहाँ तक वो एलिमेंट्स गया हुआ है, या फिर A11 दो फिर प्लस दो और उसको घेर दो। तो ये जो सिंबल लिखा हुआ है ना, इसका भी मतलब क्या है, ये डायगनल है। तो चाहे ये अच्छा लगे तुमको लिखने में या फिर ये अच्छा लगे लिखने में, जो भी अच्छा लगे तुम इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया बेसिक डेफिनेशन। अब इसका एग्जांपल देखो, हमको पता है कि इस डेफिनेशन से समझ में आया नहीं होगा, तो एग्जांपल से क्या देख रहे हैं, देखो ये वाला एक मैट्रिक्स दिख रहा है तुमको, ओके। यहाँ पे मैट्रिक्स में क्या किए, इसको हम लोग रेड लाइन से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इसको कट कर लिए, उसके बाद फिर ये सबको हम लोग इंडिविजुअल ब्लॉक्स में या फिर सेल्स में डिवाइड कर दिए। तो काउंट करो तो बाबू कितना सेल्स है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सेल्स हो गए। और उससे पहले क्या कंडीशन होना चाहिए था कि वो एक स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स होना चाहिए था। तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, काउंट करते हैं, 6 रोज है और 6 कॉलम्स है, तो जाहिर सी बात है ये तो पहला कंडीशन तो ऑलरेडी सेटिस्फाई है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरा कंडीशन ये है कि इसमें हम लोग क्या कर दिए, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कर दिए और देखो यहाँ पे ये सब क्या है, ये सब डायगनल जो एलिमेंट्स हैं वो सब भी क्या है, स्क्वायर है। तो क्या हम इसको ब्लॉक स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, येस इट कैन बी कॉल्ड एज अ ब्लॉक स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स बोल सकते हो। लेकिन क्या ये ब्लॉक डायगनल मैट्रिक्स है, क्या बोल रहा, एक स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स जिसके सिर्फ जो डायगनल ब्लॉक्स है उसको छोड़ करके बाकी सब जीरो होने चाहिए। तो इसको छोड़ करके बाकी सब अगर जीरो होता तब हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक डायगनल मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन अभी ये क्या ब्लॉक डायगनल मैट्रिक्स है, नहीं है। ये वाला एग्जांपल देखो, पहला कंडीशन देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं, 6 रोज 6 कॉलम्स, तो पहला कंडीशन तो ये तो सेटिस्फाई हो गया कि 6x6 का मैट्रिक्स है। अब क्या कंडीशन देखना है हमको, ये देखना है कि डायगनल ब्लॉक्स जो हैं वो सब स्क्वायर होने चाहिए पहली बात, और दूसरा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए, बाकी सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो देखो इसको डायगनल वाले ब्लॉक्स को छोड़, कौन कौन सा डायगनल है, ये डायगनल, ये भी डायगनल और ये भी डायगनल, ये सब डायगनल ब्लॉक्स हैं। इस डायगनल ब्लॉक्स कैसा डायगनल है, ये कैसा ब्लॉक है, ये स्क्वायर ब्लॉक है। इसको छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाएं, वैसे मैट्रिक्स को बोलेंगे ब्लॉक डायगनल मैट्रिक्स। समझ में आया, अब A11, A22 समझ में आ रहा, तो इसको हम लोग A11 बोल रहे हैं, फर्स्ट ब्लॉक, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, क्योंकि ये ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। अब इसका रोज देखो अलग हो गया, ये हो गया पहला रो, रो ऑफ एलिमेंट्स नहीं, रो ऑफ ब्लॉक। अगर हम ऐसे काउंट करेंगे तब इसको हम क्या काउंट कर रहे हैं, रो ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर रहे हैं। अगर हम ऐसे काउंट कर रहे हैं, 6 क्या हो गया, रो ऑफ कॉलम ऑफ एलिमेंट्स हो गया। लेकिन अब हम ऐसे काउंट कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम ऑफ ब्लॉक्स, ऐसे काउंट कर रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं,
रो ऑफ ब्लॉक्स, समझ में आ गया? तो पहला रो ऑफ ब्लॉक, दूसरा रो ऑफ ब्लॉक, तीसरा रो ऑफ ब्लॉक, क्लियर? तो जो डायगोनल ब्लॉक्स हैं उनको छोड़ करके बाकी सारे जितने भी ब्लॉक्स हैं सब जीरो हो जाने चाहिए। तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स, क्लियर है? क्या इंपॉर्टेंस है इसका, क्यों जरूरत पड़ा हमको इसको इंट्रोड्यूस करने का? इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स, क्या बोला कि देखो, एलजेब्रा ऑफ ब्लॉक मैट्रिक्स इज फ्रीक्वेंटली रिड्यूस्ड टू द एलजेब्रा ऑफ इंडिविजुअल ब्लॉक्स। मतलब ब्लॉक मैट्रिक्स जो है हम लोग का, उसका एलजेब्रा को हम लोग इंडिविजुअल ब्लॉक्स के एलजेब्रा में रिड्यूस करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है ये स्टेटमेंट क्लियर नहीं होगा, जब प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं करेंगे क्लियर नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर बाय चांस बाय डिफॉल्ट कोई अगर पूछ लिया, क्वेश्चन आ गया कि व्हाई, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स, तो क्या बोलोगे? एलजेब्रा ऑफ ब्लॉक मैट्रिक्स इज फ्रीक्वेंटली रिड्यूस्ड टू द एलजेब्रा ऑफ इंडिविजुअल ब्लॉक्स एंड हेंस दिस ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो सपोज मान लो एफ ऑफ एक्स को एक पॉलिनोमियल है, इस x के जगह पे ये वाला जो ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है m, इसको घुसेड़ दिए यहाँ पे, तो f ऑफ m जो है ये क्या बन जाएगा, ये ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या था, ये सब डायगोनल था ना, तो अब इसका फंक्शंस के फॉर्मेट में अब इसको लिख देंगे। ठीक है ना, तो f ऑफ m ये क्या ब्लॉक डायगोनल था, तो ये फंक्शंस के फॉर्मेट में आ गया। ओके, और m अगर है, इसका इनवर्स निकालना है तुमको, तो हमको तो जाहिर सी पता है कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स रहता है तो काफ़ी आसान होता है, बस जो एलिमेंट्स हैं उसका इनवर्स आप ले लो। ठीक है, तो ये आई होप ये समझ में आ गया होगा कि एफ ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल है इसको डालेंगे तो ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा, इनवर्स निकालेंगे तो ये सिर्फ जो एलिमेंट्स है उसको रेसिप्रोकल ले लेंगे बस। ठीक है, तो ये था हमारा ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो इसमें जाने से पहले अभी जस्ट जो हम पहले बताए उसमें थोड़ा सा करेक्शन है कि जैसे कोई एक मैट्रिक्स लिखा हुआ था M, ठीक है ना, उसको क्या लिखा था, डायगोनल मैट्रिक्स था और A11, A22 इस तरह से करते करते ANN या ARR कुछ इस तरह से लिखा हुआ था। हम क्या बोले थे कि अगर f ऑफ x अगर पॉलिनोमियल है तो इसमें अगर हम m को सब्सटीट्यूट कर देंगे ना, जैसे f ऑफ m अगर सब्सटीट्यूट कर देते हैं तब ये क्या बन जाएगा, वहाँ पे ये फंक्शन मिसिंग हो गया था तो इसको चेक कर करेक्ट कर लेना, ये हो जाएगा डायगोनल और सब का इंडिविजुअल फंक्शंस बन जाएगा, हर ब्लॉक का फंक्शन बन जाएगा। तो ये बन जाएगा f ऑफ A11 कॉमा f ऑफ A22 इस तरह से करते 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 f ऑफ ANN या ARR जो भी उस तरह में लिखा हुआ था वो चीज़ हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये फंक्शन मिसिंग हो गया था उससे तो वो चेक कर लेना। ओके, फिर अब देखो यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन ध्यान से सुनो। स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स, एक स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स को हम लोग ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब ब्लॉक्स बिलो द डायगोनल आर जीरो, डायगोनल जो ब्लॉक है उसके नीचे का एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाता है, अगर जो डायगोनल ब्लॉक है उसके नीचे का ब्लॉक अगर जीरो हो जाता है तो उसको बोलेंगे हम लोग ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसका जस्ट ऑपोजिट, क्या बोला, एक स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ द ब्लॉक्स अबव द डायगोनल आर जीरो मैट्रिक्स, जो डायगोनल है उसके ऊपर का जो ब्लॉक है वो अगर सब जीरो हो गया तब उसको हम लोग ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर है, अब यहाँ पे हम चार मैट्रिक्स दिए हैं तुमको, चार ब्लॉक मैट्रिक्स दिए हैं ए बी सी और डी, अब इसमें से आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स कैसा है। चलो पहला देखते हैं, अब यहाँ पे तुमको अभी हम एग्जांपल समझा देते हैं फिर अगले लेक्चर से अब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स करेंगे, क्योंकि जितना कॉन्सेप्ट अभी सीखना था वो अभी हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, तो इसको देखो, ये वाले मैट्रिक्स को गौर से देखो, यहाँ पे डायगोनल दिख रहा है तुमको, डायगोनल क्या है, डायगोनल ब्लॉक ये वाला दिखा, अलोंग द डायगोनल तुमको ब्लॉक दिख रहा है, तो देखो इसके अच्छे से, ये स्क्वायर ब्लॉक है ना, ये भी एक स्क्वायर ब्लॉक है। ओके, तो इस डायगोनल में जो ब्लॉक है, ये डायगोनल ब्लॉक इसके नीचे और ऊपर दिखेंगे, डायगोनल ब्लॉक हमको ये दिखा, इस ब्लॉक के नीचे या ऊपर देखेंगे, अगर नीचे का एलिमेंट या नीचे का ब्लॉक अगर जीरो हो रहा है तो क्या बोला, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ द ब्लॉक्स बिलो द डायगोनल आर जीरो,
मतलब जो डायगनल है उसके नीचे का जो ब्लॉक है वो जीरो हो गया, तब ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया बाबू? ये हो गया ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को बोलेंगे हम लोग ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं यूटीएम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? तो ये है ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलो मैट्रिक्स बी में आ जाओ, ये चेक करते हैं कौन सा मैट्रिक्स सही है। अब इसमें देखो ये क्या दिख रहा है तुमको, इसमें भी हम देखते हैं कि ये जो डायगनल, ये जो ब्लॉक है, अब देखो अलोंग द डायगनल, सबसे पहले तो डायगनल ही देख लो। अब डायगनल दिखा होगा, ये वाला और ये वाला अलोंग द डायगनल, ये सब ब्लॉक्स दिख गया तुमको। इसमें से एक ब्लॉक डायगनल ब्लॉक को उठा लो, इसके ऊपर नीचे देखो, यहाँ पे तुमको इसका ऊपर क्या दिख रहा है तुमको, ये वाला ब्लॉक जीरो दिख रहा है। तो कोई भी ब्लॉक स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स है उसका अगर ब्लॉक्स अबव द डायगनल आर जीरो, तो डायगनल के ऊपर का जो एलिमेंट है ब्लॉक्स, ये जो डायगनल है ना इसके ऊपर का ब्लॉक देखना है हमको। यहाँ पे देखो ये डायगनल था ना, इसके नीचे हमको देखना था। समझ में आ रही है बात? फिर से सुनो, ये डायगनल है, इस डायगनल ब्लॉक के नीचे देखो, इस नीचे का एलिमेंट्स अगर जीरो हो गया तब उसको अपर ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब यहाँ पे डायगनल देखो, इस डायगनल ब्लॉक के नीचे देखो ऊपर देखो, अगर नीचे का ये सब देखो क्या है, ये सब नॉन जीरो है ना, तो नीचे तो जीरो नहीं हुआ। इस डायगनल के ऊपर देखो मतलब ये सब सब जीरो हो गए, तो इस डायगनल के जितने भी ऊपर होंगे सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो गए तब उसको कौन सा बोलेंगे, उसको बोलेंगे ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तब ये क्या बन गया, ये बन गया ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, अब नंबर सी पे आ जाओ। नंबर सी पे क्या हो गया, अब तो तुमको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये वाला ब्लॉक है और ये वाला भी ब्लॉक है, ये दोनों स्क्वायर ही हैं, और इस डायगनल ब्लॉक के अलावा अगर सब जीरो हो जाए तब उसको क्या बोला जाता है, उसको डायगनल ब्लॉक बोला जाता है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया सिर्फ डायगनल ब्लॉक मैट्रिक्स बन गया। क्लियर हो गया? तो ये क्या बन गया था, ये ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना था। क्यों? क्योंकि इस डायगनल के नीचे एलिमेंट्स जीरो है, ऊपर देखो जीरो है क्या, नहीं है ना, फाइव है, नहीं है। ओके, तो ये ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्यों, क्योंकि इस डायगनल के ऊपर का जितना भी ब्लॉक से एलिमेंट्स है वो सब जीरो, नीचे तो जीरो है नहीं है। ओके, लेकिन इसमें क्या है, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, समझ में आया? तो इसको डायगनल ब्लॉक मैट्रिक्स बोलेंगे। अब देखो ये वाला, इसको ये भी तुमको क्या है, ये भी डायगनल दिखा, ब्लॉक दिखा, ये भी ब्लॉक दिखा, ये सब क्या है, डायगनल ब्लॉक है। तो इस डायगनल ब्लॉक के नीचे ब्लॉक्स देखो और इस डायगनल ब्लॉक के ऊपर वाला ब्लॉक्स देखो, क्या ये जीरो किसी भी साइड है, नहीं है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इट इज नीदर नीदर एन नीदर ए ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ए ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगनल ब्लॉक मैट्रिक्स, कुछ भी नहीं है ना, तो ये डायगनल ब्लॉक मैट्रिक्स है ना, तो ये अपर ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और ना ही तो ये ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे जो हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब अगले लेक्चर से हम लोग फिर से वही स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस 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 क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, और गुरु दक्षिणा की बात रही तो वो तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, उसके घंटी दबाओ जा करके, लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा लेक्चर। ठीक है, और इसको फैला दो पूरे देश में। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।